Hi everyone, I am Yogita and welcome to our channel YD Art and Craft Tutorial. वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको इस बार सिखाने के लिए डॉल्फिन बनाया है। तो ये जो डॉल्फिन मैंने बनाया है ये मैं फेल्ट से बनाई हूँ। ये पिंक वाला फेल्ट से बना है और ये येलो वाला चाइनीज फर से बना है। हम इसे शॉर्ट फर से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ फेल्ट और फर दोनों का यूज़ करके इसे बनाया है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे डॉल्फिन बनाएं। ये डॉल्फिन की कटिंग है, ये इसका मेन बॉडी पार्ट है। इसका हम दो पीस ड्रॉ करेंगे, एक हम इसको ऐसा सीधा रख के ड्रॉ करेंगे और फिर इसे हम ऐसा पलट कर। ये दूसरा पीस है हमारा, ये दूसरा पीस हमें सिर्फ एक पीस चाहिए जो हम व्हाइट कलर के फेल्ट में ड्रॉ करेंगे। और ये है इसका फिन, इस फिन को हम 6 पीस मतलब ड्रॉ करेंगे। तो 6 पीस मतलब इसका हम इसको 3 बार सीधा रख के ड्रॉ करेंगे और 3 बार इसे पलट कर। और ये इसका टेल है डॉल्फिन का, इसे हम 2 पीस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो ये देखिए, एक बार मैंने इसे सीधा रखा है फिर इसे पलट कर, तो ये 2 पीस। इसके बाद ये है, ये व्हाइट फेल्ट में रहेगा, इसका सिर्फ हमें 1 पीस चाहिए। और ये है टेल, मैंने बताया था कि इसके हम 2 पीस ड्रॉ करेंगे, मैंने कट कर लिया है। और ये है इसका फिन्स, सीधे रख के कट किया है और 3 पलट कर इस तरीके से। ये देखिए, देखिए ये डॉल्फिन का जो सीधा वाला भाग है उसे हम ऐसा रखेंगे और जो सेकेंड पार्ट है इसका इसे हम इसके ऊपर ऐसा रख देंगे। सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा इसे यहाँ तक सिलना है। इस पार्ट में हम फिन्स लगाएंगे, उसके बाद इसे पूरा यहाँ तक सिलाई कर देना है। ये इसका सेकेंड पार्ट है, ये फिन्स है जिसे मैंने 3 सीधा और 3 उल्टा रख के ड्रॉ करके कटिंग किया। पहले सीधा रखेंगे और इस दूसरे पीस को ऐसे पलट कर, ऐसे ही हम इन सभी को करेंगे। इस तरीके से ऐसे सिलाई कैसे करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा यहाँ तक लाएंगे और ये हिस्सा इसका ओपन रहेगा। और ये इसका टैल है, तो एक को सीधा रखना और दूसरे को पलट कर। और इसे भी सिलाई कैसे करनी है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा राउंड ऐसे इसको सिलाई करना है और ये हिस्सा इसका ओपन रहेगा।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।